Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yesterday we have done exercise 1.1 and I hope you have completed your work. Inshallah, aapke साथ साथ रिवीजन भी होगी और टेस्ट भी होंगे, तो आपको जहाँ भी मज़ीद कोई क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो वो भी क्लियर हो जाएगी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 एंड द पेज नंबर इज 90. क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग फार्मूलाज. मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको सेपरेटली फार्मूलाज दिए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इनको लर्न अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. तो इनमें भी बेटा एक्सरसाइज 1.2 में वही फार्मूलाज यूज़ हो रहे होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर. अगर आपको याद हो, यहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे. अब अगर आपने एक फार्मूला याद किया हो, तो हमारे पास एक फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. खैर, ये मैं मज़ीद आपको डिस्कस करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा. जी, क्वेश्चन सॉल्यूशन देन अगेन राइट क्वेश्चन. पहले मैं यहाँ पे फार्मूला राइट कर लेती हूँ. फार्मूला क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. यानी कि ये ए से रिप्रेजेंट हो रहा है प्लस, और ये बी से प्लस का साइन. ये ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बी से, और बीच में माइनस. यानी ये चीज़ हमारे पास गिवन है, हमने इसको इक्वल आना है 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के. ओके गर्ल्स, अब हमारे पास ये गिवन है, हम क्या करते हैं 2 इक्वालिटी सॉल्व करते हैं. 2 ब्रैकेट यूज़ कीजिए, ए क्या है x, और ये भी देखें a क्या है x, क्योंकि x सेम है, क्योंकि यहाँ पे a से रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो यहाँ हमारे पास a स्क्वेयर, a की जगह क्या आ जाएगा x का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. बी स्क्वेयर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है 2y से, तो हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वेयर. अब हम इसको सॉल्व कर दें, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4y स्क्वेयर. मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 4 2s are 8y स्क्वेयर. दिस इज योर आंसर. क्लियर गर्ल्स? जी, नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2, 5x प्लस 3y होल स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3y होल स्क्वेयर. ये एज इट इज है, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया. ठीक है जी, ये अब आप खुद करेंगे. नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है 3l प्लस 2m का होल स्क्वेयर माइनस 3l माइनस 2m का होल स्क्वेयर. जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन राइट क्वेश्चन आफ्टर सॉल्यूशन. 3l प्लस 2m होल स्क्वेयर माइनस 3l माइनस 2m. दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और यहाँ सेंटर में दोनों के माइनस आ रहा है. अभी अगर हमने, अगर आपको याद हो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे भी आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी आता है, लेकिन सेंटर में उनके क्या डिफरेंस है, प्लस था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस. तो जब माइनस आता है तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, फार्मूला पहले राइट करते हैं. a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab. ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, 4ab. अगर यहाँ नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो तो 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. अब हमारे पास ये चीज़ गिवन है, हमने किसके इक्वल खोना है, यानी इसको इसके इक्वल लेके आएंगे. कैसे, इक्वालिटी लगाइए 4. अब हमारे पास a क्या है, a दिस इज 3l ब्रैकेट, देन b क्या है हमारे पास 2m. ऐसे ही है. अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं. 4 3s are 12 12 2s are 24 lm. दिस इज योर आंसर. क्लियर गर्ल्स? जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 4. जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज
एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम इंटू एल स्केयर प्लस एम स्केयर इंटू एल फोर प्लस एम फोर. एल प्लस एम एल माइनस एम एल स्केयर प्लस एम स्केयर एल फोर प्लस एम फोर. सबसे पहले हम फर्स्ट टू वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे. कैसे, हमारे पास क्या बन रहे हैं, आपको फार्मूला याद हो अगर, ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके हमारे पास इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे इक्वल साइन है, इक्वल होता है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, यानी कि एल रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है बी को. इसी तरह ये ए ये बी, लेकिन प्लस माइनस है, किसके इक्वल होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर. तो यहाँ एल है तो हम एल से रिप्रेजेंट करके राइट करेंगे. इक्वल, दिस इज इक्वल टू एल स्केयर माइनस एम स्केयर. ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है. एल स्केयर माइनस एम स्केयर, बाकी आपके पास एल स्केयर प्लस एम स्केयर एज इट इज, एल फोर प्लस एम फोर एज इट इज, ठीक है जी. अब हम फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे भी आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन अब ए एल स्केयर है. आप यहाँ स्टेप कर लें, एल स्केयर का होल स्केयर, ये स्टेप आप यहाँ भी कर सकते हैं जो मैंने यहाँ डायरेक्ट किया, एल स्केयर का होल स्केयर देन माइनस एम स्केयर का होल स्केयर, और ये एज इट इज एल फोर प्लस एम फोर एज इट इज. अब इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है, एल फोर माइनस एम फोर देन एल फोर प्लस एम फोर एज इट इज, ये वाला एज इट इज आ जाएगा. अब दोबारा आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी, अगेन ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, लेकिन अब ए पूरा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एल फोर. तो हम क्या करेंगे, एल फोर का होल स्केयर माइनस एम फोर का होल स्केयर, यानी कि ए हमारे पास इस टाइम क्या ए स्केयर है, यानी ए क्या है एल फोर का स्केयर, और बी क्या है एम फोर का स्केयर. ओपन कर दें, फोर टू ज़ार एट माइनस एम फोर टू ज़ार एट, दिस इज योर आंसर. क्लियर गर्ल्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर इज 20 जी. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 20, ए बी माइनस वन बाई बी का होल क्यूब है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन, ए बी माइनस वन बाई ए बी होल क्यूब. ये हमारे पास इस टाइम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये हमारा कंप्लीट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन होल क्यूब. अब ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला यूज़ कर चुके हो, मैं फार्मूला यहाँ राइट कर देती हूँ, ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब. ये हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब यानी कि इस फॉर्म में गिवन है, हमने इक्वल के राइट साइड वाली चीज़ लेके आनी है, ठीक है जी. स्टार्ट करते हैं राइट साइड, ए का क्यूब, ए क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ए बी का होल क्यूब माइनस थ्री एज इट इज ए, ए क्या है ए बी, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर बी क्या है वन बाय ए बी, ओके देन ब्रैकेट ए, ए किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ए बी से, माइनस लगाइए, बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वन बाय ए बी से, क्लियर. माइनस बी, बी वन बाय ए बी देन क्यूब, क्लियर ये स्टेप. अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब माइनस, अब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लेकिन ये न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ हमारे पास रह गया थ्री इन टू ए बी माइनस वन बाय ए बी, माइनस वन का क्यूब वन और ए क्यूब बी क्यूब. अब हम इस थ्री को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यानी अंदर जितनी भी वैल्यूज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब माइनस थ्री ए बी माइनस माइनस सिक्स प्लस थ्री वन ज़ार थ्री डिवाइडेड बाय ए बी, डिनोमिनेटर में ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, ए बी और वन बाय ए क्यूब बी क्यूब एज इट इज़, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज 2x प्लस 3y प्लस 2 होल स्क्वायर. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पे एक चीज़ और देख लें क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएँ,
क्वेश्चन नंबर सेवन, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव किया है सेम एज इट इज, लेकिन देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. यहाँ माइनस का साइन था बच्चों, यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है. सेम फार्मूला है लेकिन अब आपके पास प्लस वाला यूज करना है. क्वेश्चन आपने सॉल्व वैसे ही करना है, ए प्लस बी होल क्यूब के साथ सॉल्व करेंगे. वो किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. बाकी इसमें और कोई चेंजिंग नहीं आनी. तो आपने क्वेश्चन नंबर सेवन खुद सॉल्व करना है, ठीक है. सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन भी एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री वाई है. प्लस वाले फार्मूले के साथ अब आपने इसको खुद यूज़ करना है, ठीक है जी. अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ. जी हमारे पास क्वेश्चन है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू का होल स्क्वायर. हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ये ए से, ये बी से, ये सी से रिप्रेजेंट हो रहा है. किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, हमने इक्वल किसके करना है, राइट हैंड साइड के. ये ए को, ये बी को, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टार्ट करते हैं. राइट हैंड साइड हमने ओपन करनी है जी. फर्स्ट है ए स्क्वायर. ए क्या है, टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू को, टू का स्क्वायर. क्लियर यहाँ तक. प्लस टू एज इट इज ए. ए है हमारे पास टू एक्स, बी है हमारे पास थ्री वाई. प्लस टू एज इट इज ब्रैकेट लगाइए बी, बी है हमारे पास थ्री वाई, देन सी है हमारे पास टू. प्लस टू एज इट इज सी है हमारे पास टू और ए है हमारे पास टू एक्स. क्लियर बच्चों यहाँ तक. अब हम बस ओपन करेंगे. टू का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज फोर प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स वाई प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व वाई प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट एक्स. क्लियर गर्ल्स. अब आप यहाँ देख लें कि कोई वेरिएबल या कोफिशेंट उस जैसा तो नहीं है कि दूसरे के साथ सेम आ रहा हो और हम उसको सॉल्व ना कर पा रहे हो. तो हम पहले ये चेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है तो देख लें एक्स स्क्वायर उस जैसा कोई नहीं है. वाई स्क्वायर को चेक करें, कॉन्स्टेंट आ रहा है वो चेक करें. यहाँ पर कोई भी टर्म, दूसरे टर्म जैसी लाइक टर्म्स कोई भी हमारे पास नहीं आ रही. सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है गर्ल्स, दिस इज़ योर आंसर. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे. प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जी. क्वेश्चन नंबर सेवन की मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था. क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर एट है थ्री पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर नाइन भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि ये अब आप खुद करेंगे. मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ. टेन है हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस वन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन. क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्यूशन है, हम स्टार्ट करते हैं इसका. एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस वन. एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वन, इसको मैं फर्स्ट स्टेप करती हूँ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एज इट इज़ रहने देती हूँ और माइनस वन का भी होल क्यूब राइट कर लेती हूँ, ठीक है. क्या किया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एज इट इज़ रहने दिया और वन का भी होल क्यूब कर दिया. क्योंकि वन को भी अगर जितनी टाइम भी एन टाइम्स में मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो थ्री है, जितनी दफ़े में मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास वन ही आता है. अब हमने इस x प्लस वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं a क्यूब से. ये पूरा a क्यूब माइनस ये वन कंप्लीट b क्यूब. बात समझ आई आप लोगों को. तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है, किसके इक्वल होता है, a माइनस b इन टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के. अब हमारे पास यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है, हमने इस फॉर्म को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आने, इस वाली चीज़ को, ठीक है. स्टार्ट करते हैं ए माइनस बी. ए माइनस बी, ए हमारे पास इक्वल ए,
ए क्या है इस टाइम, ये कंप्लीट हमारे पास ए है और ये वन बी था, ठीक है जी। ए ए हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस का साइन, बी क्या है वन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगाइए। ए ए क्या है एक्स प्लस वाई, ए पूरा एक्स प्लस वाई देन होल स्क्वायर प्लस ए क्या है एक्स प्लस वाई, बी क्या है वन प्लस बी क्या है वन का होल स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस वन तो एज इट इज रहने दें, ये हम एज इट इज रहने देंगे। अब ये देखें यहाँ दोबारा फार्मूला बन रहा है किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर आपको याद हो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे आपके सामने ये फार्मूला राइट किया किसका, ये एक्स प्लस वाई का। अब हम एक्स प्लस वाई को इसके इक्वल खोलते हैं, मैं डायरेक्ट अब खोल रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ तो वो एक्स प्लस वाई आ जाएगा और वन का स्क्वायर वन, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, ठीक है गर्ल्स। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 1.2, नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 11, दिस इज योर 1 to 11, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक आपने होमवर्क करने हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई डायरी, आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी दिया है वो थोड़ा सा देखना था, दिखाना था कि क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64। अब यहाँ पे ये x माइनस वाई a क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस 64 को ब्रेक कर रहे हैं, 64 4 का होल क्यूब बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 का होल क्यूब बना दिया था, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, और आपने उसको ओपन करना है और सॉल्व कर लेना। यहाँ हमने a माइनस b क्यूब किया था, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब किया था, और यहाँ आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब है, ठीक है। फार्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ, प्रीवियस पे भी लिखवा चुकी हूँ, वहाँ से देखे आपने, लेफ्ट आपके पास गिवन है और राइट हैंड साइड के को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मज़ीद आगे कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।